तो क्या हाल है भाइयों, स्वागत है आपका हमारे से इस चैनल पे जिसका नाम है बाइकर हाइब्रिड। तो दोस्तों आज है मेरे पे यमहा की R15M। पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, हमने इसकी डिलीवरी ली थी, रिव्यू करा था मैंने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन जो होगी सेफ्टी से रिलेटेड होगी थोड़ी बहुत, और थोड़ा सा एग्रेसिव लुक जो इससे आ जाए वो चीज़ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं जाने वाला हूँ दिल्ली करोल बाग, जहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन कराऊंगा। थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत ही कराऊंगा, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी क्या मॉडिफिकेशन होने वाली है। तो यहाँ से चलते हैं हम सीधा करोल बाग। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी, कोई भी अलग से मॉडिफिकेशन नहीं है। बट अभी जो कराऊंगा आपको लास्ट में पूरा प्राइस वाइज सब कुछ बताऊंगा, कैसे क्या क्या चाहिए सब एवरीथिंग बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, बाकी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधे चलते हैं करोल बाग, और वहीं दिखाऊंगा आपको शॉप पे। तो भाई आ चुके हैं हम शॉप पे, और सबसे पहले एक्सेसरीज देख रहे हैं, उसके बाद लगवाएंगे। वो है सब ब्लू नहीं होगा, और थोड़ा स्काई ब्लू टाइप में होगा। ये कैसा सिल्वर में भी आता है, मैंने नेट पे देखा था। ये हाँ सिल्वर भी होगा, लेकिन आपको गाड़ी ब्लू में होगा पूरा। ये लगवा दिया जाता है वाले, ये बेटर रहता है। मॉडल के उसमें से बस ये सा लग रहा है, कॉलम था वो थोड़ा। एक ये लेंगे भैया, पकड़िए सर। अच्छा ठीक है, सही तो यही लग रहा है। ये ले लो, दोनों ही दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये थोड़ा नीचे से मुड़ा हुआ है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ ये लग रहा था अभी जाती, वो पूरा कवर था, वो ऐसे ही था, वो मोटा। तो यहाँ पे जो मेरे को मेन चीज़ लगवानी थी जिसके लिए मैं आया था वो है ग्रे ब्रेक्स, तो इसे लगवाते हैं। मैंने यहाँ पे इसे निकलवा लिया इसे, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो गया। बाकी आपको प्राइस व्राइस सबको लास्ट में आपको पता चलने ही वाला है। टाइम देख लिया तो तसल्ली से कर लो। हाँ भैया हमें टाइम की वो नहीं है, हमें जल्दी की नहीं है, क्योंकि शोरूम से सीधा ही आई, कल शोरूम से आई है, आज यहाँ आई। तो भाई जो जो से मेरे को एसएससी लगवानी है वो लगवा लेता हूँ, और वीडियो के लास्ट में तो आपको पता चलने वाला ही है। बाकी यहाँ पे एक बगल में एक और यमहा है जिस पर लेमिनेशन का काम चालू है, बाकी जो जो से एसएससी लगवानी वो लगवा लेता हूँ, और फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीरीज ऐड होनी है, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो भाई ये आया है इसका फाइनल लुक निकल के, अभी मैं आपको बताऊँ कि मैंने इसमें टोटल करवाया क्या क्या वहाँ पर, क्योंकि उतना तो शोर शराब होता तो वहाँ पर इतना प्रॉपर बता नहीं पाया। लास्ट में सब कुछ आपको यही बताऊँगा कितना टोटल खर्चा आया है, सब कुछ मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। बाकी मैंने करवाया क्या क्या वो सब मैं आपको पहले बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन फाइबर थोड़ा लुक्स में है, और ये हैंडल बार कहते हैं इसे, कोई स्लाइडर्स भी कहते हैं, स्लाइडर्स तो नहीं, हैंडल बार ही कहते हैं इसे, नॉर्मल हैंडल बार है ये। और ये आप देख सकते हो ये इसका जो ब्लू टोन है ये थोड़ा गाड़ी से मैच है, अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इससे मैचड ही है। तो ये चीज़ मैंने लगवाई है, और ये कार्बन फाइबर मैंने इसे ऑनलाइन भी चेक करा था, तो ऑनलाइन 450 रुपये का था। बाकी इसका अमाउंट मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में ऑफलाइन मार्केट में कितना मिला। बाकी देखने में कुछ देखो ऐसा लग रहा है भाई, देखने में तो बढ़िया लग रहा है। और दूसरी चीज़ है जो मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लगवानी ही थी वो था इसका ग्रैब रेल, क्योंकि भाई सिंपल सी आप ये देख रहे हो ये वाला जो मटेरियल है, मैंने कितने लोगों का देखा भाई ये टूट जाता है लोगों के बैठने पे, अगर कोई बैठता है कोई हैवी बंदा बैठ जाता है तो टूट जाता है, फिर कैसे भी इस पर ज़्यादा लोड पड़ती है सह नहीं पाते, टूट जाते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था ये लगवाना। ये लगने के बाद भाई ऐसी बात नहीं कि लुक ख़राब आ रही है, आप देख लो इस साइड से देख लो, पहले थोड़ा और ज़्यादा हैवी सा लग रहा है, भारीपन सा लग रहा है, और एग्रेसिव सा लग रहा है भाई पीछे से देखने में, सही बताऊं तो। मतलब सिंपल सी बात यह है, एक तो इससे लुक भी नहीं बिगड़ा और जो सेफ्टी है वो भी हो गई। और मैं तो आपसे यही कहूँगा अगर आपके पास R15M है या फिर R15 है, नॉर्मल वर्जन कोई सा वर्जन हो, अगर ये वाला आपका है तो इस पर ये सेफ्टी जरूर लगवा लो, क्योंकि सेफ्टी लगने से भाई आपका ये जो है ना ये बच जाता है, और ये बचने का ये मतलब आपके पैसे बच जाते हैं, क्योंकि टूटेगा चेंज करवाना पड़ेगा, महंगा आता है, और फिर खामा खा के पैसे बर्बाद क्यों करना। ये मैंने लगवाया है, और ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक एक यहाँ पे लगा पड़ा सीट के अंदर से है, और ये यहाँ पे है। इसका ये प्राइस मैं आपको बताऊँगा इसका इसका प्राइस कितना था, और मैं आपको बताता हूँ कि और मैंने क्या चीज़ करवाई है। और बाकी ये है एक वाइज़र जो कि सॉरी विंडशील्ड है ये, या फिर वाइज़र भी कह सकते हो, ये थोड़ा ऊपर से है क्योंकि जो गाड़ी के साथ स्टॉक में आता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, मतलब बड़ा नहीं छोटा रहता है, यहाँ से नीचे कटा हुआ रहता है और ट्रांसपेरेंट रहता है, और उससे जो इतना एग्रेसिव लुक आया वो नहीं आता। बट इसका भी आप देख रहे हो थोड़ा एग्रेसिव लुक है, ब्लैक में है और गाड़ी के साथ थोड़ा मैच कर रहा है, इसलिए हमने ये वाला लगवाया। बाकी भी मैं आपको बताता हूँ इसका टोटल खर्चा कितना आया मेरे को। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी जो कार्बन फाइबर थोड़ा टच है और ये जो हैंडल बार है, इसकी प्राइस की बात करता हूँ, तो इसका प्राइस अब मेरे को ऑफलाइन अगर आप देखोगे
तो इसी क्वालिटी में आप अगर आप देखोगे ये वाला थोड़ा चेंज है, बट जो इसका ये कार्बन फाइबर टच है ये आपको ऑनलाइन जो मिलेगा आपको 450 से 550 रुपये तक का बीच में मिल जाएगा। बट मैंने ऑफलाइन ख़रीदा है तो इसकी जो क्वालिटी है वो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी। अगर मैं ऑनलाइन ही परचेज़ कर सकता था बट मुझे नहीं पता उसकी क्वालिटी कैसी आती, बट अभी इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है और लुक भाई बहुत अच्छा आ रहा है। पहली बात तो ये मेरे को पड़ा 600 रुपये का। इसके अंदर एक बोल्ट भी लगा था, बुश लगा था, वो सब मिला के इसका 600 रुपये का है। एंड देन बात करते हैं इस ग्रैबरेल की, तो ये ग्रैबरेल मेरे को मिला 900 रुपये का और ये दोनों साइड के ही जो मतलब कॉम्बी है ये पूरा का पूरा ही 900 रुपये का है। ये फिटिंग करके है, ये अलग उन्होंने चेंज करा था, मतलब पूरा का पूरा 900 रुपये में ये दोनों के दोनों लग गए। और भाई ये सेफ्टी बहुत अच्छी खासी की, पहली बात तो ये। एंड द थर्ड थिंग जो ये वाला वाइजर है ये मेरे को मिला 350 रुपये का। बाकी इन्होंने ये लगाने का और ये लगाने का लेबर चार्ज लिया था आई थिंक 300 रुपये उन्होंने, ये लगाने का अलग से 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहे थे। भाई मैंने कहा मना कर दिया, भाई रहन दो यार, इतना एक तो काम करा रहा हो ऊपर से तुम इतना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो तो ये तो सही बात है नहीं। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है ले जाओ ऐसे ही, तो इसे मैंने ऐसे ले लिया। इसे फिर मैंने शोरूम पे जाके लगवा लेता जो कि ऐसे ही लग गया, कोई ज़्यादा पैसे वैसे लगे नहीं, फ्री में लग गया अपना। बाकी जो इनका इसका और इसे लगाने का उन्होंने सिर्फ 300 रुपये सर्विस चार्ज ले लिया, उसे लगाने का और मांग रहे थे तो हमने लगवाया नहीं। बाकी हमने इसके स्लाइडर्स भी देखे थे जो कि बाहर डंडे की तरह निकले हुए, तो वो अच्छे लगे नहीं। हम आरन वाले ही देखेंगे, अगर वो हम परचेज करते तो आपको बताएंगे कि भाई कितने कपड़ा और कैसे कैसा, अगर आपको लगवाना तो वो भी आप लगवा सकते हो। बाकी ये 900 रुपये का था, ये 600 रुपये का था और ये 350 रुपये का था। टोटल मिला के मेरे को वहाँ पे आई थिंक 2200 या 2100 रुपये का खर्चा आ गया था। और ये करोल बाग का था जैसे मैंने आपको बता ही दिया, तो ये इसका टोटल खर्चा था जो मेरे को इसमें आया। और इससे जो अब गाड़ी की जो लुक है ना वो बहुत अच्छी आ रही है। कुछ स्लोमो शॉट्स दिखाता हूँ एक बार, वो देख लो आप। तो ये था मेरा टोटल खर्चा इन सब चीज़ों को करवाने के। ज़्यादा कोई हैवी मॉडिफिकेशन नहीं करा क्योंकि ज़्यादा हैवी मॉडिफिकेशन मेरे को भाई इतनी बढ़िया लगती नहीं है कि लोग लाल पीले नीले काले करवा के रखते हैं, भाई वो मेरे को बिल्कुल बेकार लगता है। तो जस्ट नॉर्मल सी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराई है मैंने इसकी। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बस ये एक हैंडल बार है वो लगवाया ताकि थोड़ी सेफ्टी हो जाए इसकी और अपने हाथ की, और ये विंडशील्ड लगाई ताकि थोड़ा एग्रेसिव लगे। और बाकी अपनी सेफ्टी के लिए इस चीज़ के लिए मैंने ग्रैबर लगाया, और पकड़ने में भी आसानी रहती है, वरना ये जो दे रखी है ये इससे पकड़ के यार खींचा नहीं जाता, इसलिए ये चीज़ है इससे आपको पकड़ने में बहुत अच्छा हो जाता है और गाड़ी आप इधर उधर कर सकते हो। तो ये था मेन चीज़ मेरे को इसमें बताना, और आपको समझ में भी आया होगा कि जो मैंने चीज़ें मैं करवाई है। अगर आप ये चाहते हो खरीदना या फिर ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, बस सर्च करना विंडशील्ड हैंडल बार्स और ग्रैबरेल आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। अगर ऑफलाइन भी अगर आपको कराना है तो भैया करोल बाग सबसे बेस्ट है, वहाँ जाके आप करा सकते हो, किसी भी शॉप पे चले जाना। बाकी अगर आपको जहाँ से मैंने कराया वहाँ से अगर आपको कराना तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको लोकेशन जो है वो बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना था, होपफुली आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।